और पोर्ट्रेट्स में जो सबका ये क्वेश्चन रहता है कि यार ब्लर इफेक्ट कैसे आता है, तो ब्लर इफेक्ट को टेक्निकली हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि जहां हम फोकस कर रहे हैं उससे आगे और पीछे कितना एरिया फोकस में है या आउट ऑफ फोकस है। तो सबसे पहले 1.8 पे शूट करते हैं, बिकॉज ये 50 mm 1.8 है। अगर मैं सबसे मिनिमम एफएलयू पे शॉट लेता हूँ, ठीक है, तो अब आप देखोगे अभी बैकग्राउंड ब्लर काफी बढ़िया आ रहा है। ठीक है, अब मैं स्विच करता हूँ एक बार 2.8 पे और अकॉर्डिंगली शटर स्पीड एडजस्ट करके, तो ये हो गया हमारा 2.8। अब आप कंपेरेटिवली देखोगे ब्लर इफेक्ट कम होना शुरू होगा। अब मैं F4 पे आ गया, F4 पे अगर हम शॉट लेते हैं, अब आप देखोगे बैकग्राउंड ब्लर जो है वो कम होने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं जाता हूँ 5.6 पे, तो अगर आप अब साइड बाय साइड यहाँ पे फोटोज देखोगे, अगर मैं 1.8 वर्सेस F8 दिखाऊं, यू कैन क्लियरली सी F8 में बैकग्राउंड ज्यादा फोकस में आने लग गया, जिस वजह से बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट खत्म हो रहा है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड की जब हम बात करते हैं, एफ वैल्यू आपका जितना कम रहेगा उतना ज्यादा